नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर 360 गुप्ता पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे MCL T20 के आज के दिन के पहले मुकाबले की, जो यहाँ पे खेला जाएगा टीम KCC वर्सेस टीम LCC के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इस मुकाबले में कौन से प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे स्मॉल लीग के लिए और कौन से प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए, बाकी किन प्लेयर्स को आप लोग कैप्टन बना के चल सकते हो और किन प्लेयर्स को आप वाइस कैप्टन बना के चल सकते हो। तो बस आपको वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, पूरी देखनी है अगर आप लोग इस मुकाबले में विन करना चाहते हो। बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी आफ्टर लाइन पे टॉस के बाद, या दोस्तों जो हमारी 100% विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा, वो टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अभी के समय 12,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर बुद्धि गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। और आप लोग भी अगर हमारे चैनल से ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट दोनों जगह पर मिल जाएगा। तो किसी भी जगह से जाके आप सीधा हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और मेरी दी गई टीम का प्रॉफिट उठा सकते हो। तो एक काम दोस्तों ज़रूर कर लेना क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों यहाँ पर स्कोर कार्ड की ओर, जहाँ पर मैं आपको दोनों टीम्स के लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात की जाए पॉइंट्स टेबल की, तो पॉइंट्स टेबल में जो KCC टीम है वो थर्ड पोजीशन पर, अपने 4 मुकाबलों में 2 मैच जीती है 2 मैच हारी है, जबकि जो इनकी अपोनेंट टीम है LCC वो 5th पोजीशन पे, इन्होंने अपने 4 मुकाबलों में सिर्फ एक ही मैच जीता और अपने 2 मुकाबले ये हारे हैं। यानी कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि KCC की टीम के विन करने के चांसेस 70% है, वहीं पर LCC के विन करने के चांसेस ऑलमोस्ट 30% रहने वाले हैं। तो एक बार दोनों टीम के लास्ट मैच के स्कोर कार्ड को भी चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों LCC अपना पिछला मुकाबला 9 विकेट से हार कर आ रही है, बैटिंग बॉलिंग दोनों काफ़ी ज़्यादा एवरेज रहती है। इस मुकाबले में इनकी टीम सबसे पहले बल्लेबाजी करने आती है, पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाती है और 18 ओवर के अंदर 90 रन बना के ऑल आउट हो जाती है। जब बारी आती है इनके इस टारगेट को डिफेंड करने की तो अपोनेंट का सिर्फ ही एक विकेट ही गिरा पाते हैं और इनके अपोनेंट इनके दिए गए टारगेट को 15वें ओवर के अंदर ही चेस कर देते हैं। तो उनकी ओर से दोस्तों यहाँ पे अभय जोशी और यहाँ पे लवी कवेला जो कि इस टीम के विकेट कीपर ओपन करने आते हैं, अभय जोशी 3 गेंदों पर 0 और लवी कवेला 8 गेंदों पर 4 रन बना के आउट हो जाते हैं। नंबर 3 पे आते हैं लवी कवेला जो कि इस टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, 27 गेंदों पर 26 रन बनाते हैं। लरन फेला दोस्तों 15 पे 21, एम रालते दोस्तों 5 गेंदे खेलकर बिना खाता खोले रहते हैं। लरन पुइया दोस्तों 13 पे 2, डेविड दोस्तों 3 पे 1, जेतन माविया दोस्तों 11 पे 4, लरन चीना अच्छा परफॉर्म करते हैं 16 गेंदों पे 17, जेम्स लरन जोवाला 3 गेंदों पे 2 और यहाँ पे वंस लंगा 4 गेंद पे 1 रन बनाते हैं। तो इनकी ओर से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बैट्समैन रहेंगे वो दोस्तों अभय जोशी, लवी कवेला, लरन फेला और यहाँ से दोस्तों रालते रहने वाले हैं। बाकी बात की जाए इनकी गेंदबाजी की तो इनकी ओर से जो एकमात्र विकेट मिलता है वो दोस्तों यहाँ पे लरम पुइया को मिलता है। बाकी इनके सभी गेंदबाज देखा जाए तो गेंदबाजी काफ़ी अच्छी करते हैं लेकिन विकेट ले जाते हैं। बाकी इनके जो मेन गेंदबाज रहेंगे वो लरन फेला, वलन सलंगा, लरिन चाना और लवी कवेला ही रहने वाले हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे इनके ओपनिंग टीम की, तो दोस्तों यहाँ पे KCC की टीम अपना पिछला मुकाबला जीत कर आई है 67 रन से। इस मुकाबले में इनकी टीम ने सबसे पहले बैटिंग की, 20 ओवर के अंदर 141 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पे। जब बारी आई इसको डिफेंड करने की तो अपोनेंट को इन्होंने 74 रनों पे ऑल आउट कर दिया। तो इनकी ओर से दोस्तों लरिसंगा ओपन करने आते हैं सरोज कुमार के साथ, लरिसंगा इस टीम के कैप्टन है और सरोज कुमार ने यहाँ पे लरिसंगा ने दोस्तों 45 गेंदों पर 5, सरोज कुमार ने 13 पे 13, नसीब राय ने दोस्तों 30 गेंदों पर 18 रन बनाए, परवेज अहमद 13 गेंदों पर 19 रन बना के नॉट आउट रहते हैं, विकास कुमार 8 गेंदों पर 12, रॉजर दोस्तों 10 गेंदों 15, अजय राय दोस्तों 1 गेंद पे 1 रन बनाते हैं। तो इनकी ओर से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बैट्समैन रहेंगे वो दोस्तों यहाँ पे लरिसंगा रहेंगे, नसीब राय रहेंगे, परवेज अहमद रहेंगे और यहाँ से दोस्तों विकास राय रहेंगे। बाकी बात की जाए इनकी गेंदबाजी की तो अपोनेंट को तो इन्होंने ऑल आउट ही कर दिया इस मैच में। देखिए इनके जो सफल गेंदबाज रहे वो दोस्तों अजय राय रहे जिन्होंने 3 ओवर के अंदर 2 विकेट निकाले, 1 ओवर मेडन किया। लरिन तो लंगा को भी 4 ओवर के अंदर 2 विकेट मिल जाते हैं, लडांतरे भी 1 विकेट निकालते हैं, विनल वेगा भी दोस्तों 2 विकेट, नसीब राय को भी 1 विकेट मिलता है और यहाँ पे दोस्तों किंगते को भी 1 विकेट निकालते। तो इनके ये सारे गेंदबाज इंपॉर्टेंट है और आपको इनके सारे गेंदबाजों को पिक करके चलना है अगर KCC की टीम पहले गेंदबाजी करती है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अभी तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो मेरे भाई लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर ऑल पे प्रेस करो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो ज़रूर दोस्तों ये काम कर लेना। बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी आफ्टर लाइन पे टॉस के बाद, या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा, वो टीम आपको मिलेगी सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। 12,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन है और रोजाना यहाँ पर बताई गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। और आप लोग भी अगर हमारे चैनल से ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट दोनों जगह पर मिल जाएगा। तो किसी भी जगह से जाके आप सीधा हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और मेरी दी गई टीम का प्रॉफिट
उठा सकते हो। तो ये काम दोस्तों ज़रूर कर लेना क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों आप चलते हैं सबसे पहले ऐप की ओर जहाँ पर आपको कमाल का टीम कॉम्बिनेशन क्रिएट करके दिखा देते हैं। बात की जाए विकेट कीपिंग सेक्शन की तो 4 विकेट कीपर हैं आपके सामने, विकास कुमार, खिंगते, रालते और यहाँ पे लवी केवेला। तो विकास कुमार ने अच्छा परफॉर्म टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच में किया था, बाकी सभी मैचेस में ये फ्लॉप रहे हैं, तो जिस कारण से मैं अपनी टीम में लवी केवेला को पिक करूँगा। भले ही दोस्तों ये लास्ट मैच में फ्लॉप हो गए हो लेकिन ओपन करने आते हैं प्लस अपनी टीम के लिए विकेट कीपिंग करते हैं तो मैं इनके साथ जाऊँगा। लेकिन अगर विकास कुमार की टीम पहले बैटिंग करेगी तो शायद मैं आपको अपनी टीम में विकास कुमार को पिक करता हुआ नजर आ जाऊं। बैटिंग सेक्शन से देखिए यहाँ पे लन फेरेला इंपॉर्टेंट रहेंगे, लरसिंगा इंपॉर्टेंट रहेंगे, बाकी एक तो सरोज कुमार की पिक है, दूसरी पिक है अभय जोशी की। तो देखिए अभय जोशी लगातार फ्लॉप होते हुए आ रहे हैं तो मैं अभी के लिए सरोज कुमार को पिक करूंगा। बाकी आपके सामने डीएस की पिक है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट पिक नहीं है क्योंकि मिडिल ऑर्डर के अंदर बैटिंग करने आते हैं और लास्ट के किसी भी मैच में इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया भी नहीं कि हम इनको पिक करके चल सकें। तो अभी के लिए जो 3 इंपॉर्टेंट बैट्समैन रहेंगे वो दोस्तों यहाँ पे लन फेरेला, लरसिंगा और यहाँ पे दोस्तों एस कुमार रहने वाले हैं, तो हम यहाँ पे दोस्तों इनको ही पिक करके चलेंगे। बात की जाए ऑलराउंडर सेक्शन की तो लवी केवेला को पिक करेंगे, परवेज अहमद को पिक करेंगे, लरन फेला को पिक करेंगे। इसके अलावा आपके सामने एलएल की पिक है, आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। बाकी और कोई यहाँ से ऑलराउंडर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको आप पिक करना चाहोगे। बाकी बॉलिंग से दोस्तों यहाँ पर मैं ललित तुलांगा को पिक करूँगा, नशीब राय को मैं पिक करूँगा, अजय राय को पिक करूँगा। बाकी आपके सामने देखा जाए तो यहाँ पर लडयांथरे की पिक है और आपके सामने पिक निकल के आती है लरिन चाहना की। तो इन दोनों को अगर आपको पिक करना है तो यहाँ पर दो किसी प्लेयर को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, तो चाहो तो आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो भी ललन फेला पे। परवेज अहमद तो इंपॉर्टेंट है, इनको ड्रॉप नहीं कर सकते हम, लेकिन ऑलरेडी हम लोग 7 प्लेयर केसीसी के पिक कर चुके हैं तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो कि विकेट कीपिंग सेक्शन से तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सरोज कुमार भी इंपॉर्टेंट हैं तो इनको ड्रॉप करके आप चाहो तो अभय जोशी को ले सकते हो यहाँ पे, देन आके आप लोग यहाँ पे लडयांथरे को पिक कर सकते हो। तो देखा जाए अब हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक ठाक लग रहा है। बाकी आप परवेज अहमद ने देखिए लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं की लेकिन इससे पिछले मुकाबले में इन्होंने बॉलिंग करके विकेट्स निकाले थे। तो अभी के लिए मैं दोस्तों सेम इसी टीम के साथ जाऊंगा। मेरी टीम में आपको 7 प्लेयर केसीसी के मिलेंगे, 4 प्लेयर एलसीसी के मिलेंगे। कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं, 1 विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर्स, 4 बॉलर्स का कॉम्बिनेशन तैयार किया है। अगर केसीसी की टीम पहले गेंदबाजी करती है तो सीधा आपको कैप्टन ए राय, वाइस कैप्टन एन राय को कर देना है, इन दोनों से बेहतर कोई प्लेयर नहीं रहेगा। बाकी अगर इनकी टीम पहले गेंदबाजी करती है तो लवी केवेला आपके कैप्टन रहेंगे, वाइस कैप्टन काफ़ी लोगों ने लरसिंगा को कर रखा है, आप भी इनको कर सकते हो, अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन मैं वाइस कैप्टन करूंगा यहाँ पे दोस्तों ए राय को। तो हमारी दोस्तों टीम रेडी हो गई, इसको सेव कर लेते हैं। एक बार आप लोग हमारी इस टीम का प्रीव्यू ले लीजिए। सेम टीम के साथ दोस्तों स्मॉल लीग ज्वाइन करेंगे, सेम टीम के साथ दोस्तों ग्रैंड लीग ज्वाइन करेंगे। तो एक बार आप लोग हमारी टीम का प्रीव्यू ले लें और जहाँ पर भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हो वहाँ पर जाकर दोस्तों आप लोग हमारी इस टीम का यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर हमारी इस टीम से मान लीजिए कोई भी प्लेयर नहीं प्ले करता है आफ्टर लाइन पे टॉस के बाद, या दोस्तों हमारी जो 100% विनिंग टीम होगी वो सीधा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। 12,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और रोजाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। और आप लोग भी अगर हमारे चैनल से ज्वाइन होना चाहें तो आपको हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट दोनों जगह पर मिल जाएगा। तो किसी भी जगह से जाके आप सीधा हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और मेरी दी गई टीम का प्रॉफिट उठा सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, कुछ सीखने को मिले तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि आप सभी को आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलेंगे आप सभी लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जहां भी रहें सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जितने भी मैचेस हों जहां भी आप इन्वेस्ट करें ऑलवेज विन करें हमारे टीम मैनेजमेंट से, हमारे टीम कॉम्बिनेशन से। तो मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।